वेलकम बैक टू शॉर्ट एग्जाम फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नहीं, इवन चाहे फ्रेश स्टूडेंट हो या रिन्यूअल स्टूडेंट हो, सबकी स्टेटस पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे दोस्तों, आप खुद जाके अपना स्टेटस एक बार चेकआउट करिए। आपको बताएंगे दोस्तों ये स्टेटस चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आखिर क्यों इतना ये सारी चीज़ें हो रही है कि आपको पेमेंट इस बार नहीं मिलेगा या पेमेंट में बहुत ज़्यादा डिले होगी, सारी चीज़ों का आंसर दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, स्टेटस जो चेंज हुआ है, जैसे कि पेमेंट फाइल ऐड हुआ है इसमें, इसके बाद स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस ऐड हुआ है और साथ में टोकन नंबर इस तरीके से बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या है, सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में। बने रही एक छोटी देर पर आता है कि चैनल पर पहली बार चैनल को बिक्री सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम डिलीवर हो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करिए। विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग टाइम सीधे चलते अपने स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आई है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, चाहे फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर रिन्यूअल स्टूडेंट हो। अपडेट इन द सेंस कि आपका स्टेटस पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है, स्टेटस करंट स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो या रिन्यूअल स्टूडेंट हो। आप अभी जाके लॉगिन करिए, कैसे और उसका मतलब क्या है ये पहले जान लीजिए, फिर आप लॉगिन करते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ करंट स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ने सेंड किया है, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट है हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद अब्दुल रिजवान अहमद करके हैं और इनका पहले करंट का स्टेटस आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का था। एप्लीकेशन यहाँ पे इस तरीके से था, मार्क एज डिफेक्टिव बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर, इससे मतलब नहीं है, चाहे आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन विद स्टेट नोडल ऑफिसर हो या फिर एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर हो या एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हो, डज नॉट मैटर, कुछ भी आपका स्टेटस हो। इस तरीके का पहला एप्लीकेशन था, जैसे कि जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो ही वेरीफिकेशन लॉक के नीचे, यहाँ पे कॉपीराइट वाला यहाँ पे वेबसाइट का जो था वो था, बाकी इसके नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी जो स्टूडेंट ये करंटली यहाँ पे स्टेटस लॉग इन करके, वही स्टेटस अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, वही स्टेटस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल रिजवान अहमद, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनकी स्टेटस अपडेट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन लॉक के नीचे यहाँ पे तीन चार कॉलम ऐड किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि कुछ दिन बाद ये स्टेटस सारे यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, लेकिन ये हर साल होता है, लेकिन इस बार इतना पहले हो गया, पहले इन द सेंस कि मेरिट लिस्ट आने के बाद ही ये सारी काम होता है, जो स्टेटस में अपडेट यहाँ पे जो स्टूडेंट को यहाँ पे लेट से पेमेंट मिलते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे कौन कौन से कॉलम ऐड हुआ है, पेमेंट फाइल डिटेल्स करके एक ऐड हुआ है, दूसरा एसमेट टेक्स्ट टू एप्लीकेंट फॉर अकाउंट अपडेटेशन एंड ईमेल सेंड डेट इस तरीके के, और चौथा या तीसरा यहाँ पे कॉलम है अमाउंट चेंज स्टेटस, और चौथा है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, पांचवा है यहाँ पे स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस। जो एन ए है मतलब नॉट अप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे कुछ भी आप समझ सकते हैं एन ए का मतलब, मतलब इससे रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस वेट करिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, जैसे कि एक स्टूडेंट का आप देख पा रहे होंगे एमडी एजाज करके है, और एमडी एजाज यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार के स्टूडेंट है, इनका एप्लीकेशन स्टेटस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनका स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द यहाँ पे स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर, डज नॉट मैटर, यहाँ पे मेरे लिस्ट आगे ब्लैंक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैं जो चीज दिखाने वाला हूं, जो चीज अपडेट हुई है वो चीज आप देख पा रहोगे, यहां पे भी देख पा रहोगे कि इस बंदे का वेरिफिकेशन लॉक के बाद से इनका कुछ भी यहां पे अपडेट नहीं है, तो वेरिफिकेशन लॉक के जस्ट नीचे जो नेक्स्ट यहां पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए, सेम एप्लीकेशन आईडी, सेम स्टूडेंट एमडी एसएस बिहार के स्टूडेंट, एप्लीकेशन स्टेटस तो चेंज नहीं हुआ है, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, एप्लीकेशन स्टेटस आपका सेम बना हुआ, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय द स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर है तो वही है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएम फॉर पेमेंट भी नहीं हुआ है, फ्रेश स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, बट क्या चेंज हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन लॉग के बाद से यहाँ पे पेमेंट फाइल डिटेल्स जिसमें टोकन नंबर ऐड किया गया, स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एसएमएस टेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर अकाउंट अपडेटेशन एंड एसएमएस सेंड टेस्ट डेट यहाँ पे चेक किया हुआ गया, अकाउंट चेंज स्टेटस यहाँ पे दिया गया है, और अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस। आप देखिए जो अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस में अगर आपका पेंडिंग है तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको जितनी जल्दी हो सके अभी आपके पास टाइम है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसे ही डिले चल रहा है तो आपके पेमेंट के साथ बहुत डिले होगा, वो मैं बताऊंगा टाइम टू टाइम जो भी स्टूडेंट के इशू होंगे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है और किस तरीके से अपने अकाउंट को अपडेट करना है। दूसरी चीज ये जो है आपका एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्टर किया होगा, वो यहां पे डेट मेंशन होगा कि किस तारीख को आपको, तो वो अगर आप में इशू है तो, नहीं इशू है तो यहां नहीं रहेगा, फिर यहां पे जब आपका अकाउंट चेंज हो जाएगा तो यहां पे अकाउंट स्टेटस यहां पे लिखा होगा
लिखेगा कि चेंज्ड या अकाउंट नंबर सक्सेसफुली चेंज, इस तरीके का लिखेगा। अगर आप चेंज करते हो तो एक पर्टिकुलर डेट आपको मिलेगी, उतने डेट के अंदर अपने स्टेटस को लॉग इन करके अपना न्यू अकाउंट, अगर आपके पुराने अकाउंट में कोई इशूज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मेरा पेमेंट फेल हो गया, मेरा पेमेंट दूसरे अकाउंट में चला गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और चेंज ऑप्शन अगर आपने किया होगा तो एन ए हट के यहाँ पे वो नया अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज नहीं। बाकी यहाँ पे अकाउंट वैलिडेटेड एंड नेम मैच एज पर एनएसपी गाइडलाइंस, ये लिखना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और आपका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, फिर आप इंस्टाग्राम पेज पे आप जरूर शेयर करिए। स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखेगा चाहे अगर आपको आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट भेजा जाए तो भी आधार APBS मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम इस तरीके का यहाँ पे शो करेगा, या फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुली इन योर अकाउंट इस तरीके का स्टेटस शो करेगा। ये टाइम टू टाइम पे पहले उसके बाद से आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि ये लोग अपडेट कर दिए हैं बहुत यहाँ पे पहले ही अपडेट कर दिए हैं, क्योंकि अभी अमाउंट किसी को नहीं मिला। पहले मेरिट लिस्ट आने के बाद से सबका नो या यस ब्लैंक नहीं रहता था, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट इस तरीके का शो करता था, उसके बाद से ये सारी चीज़ें अपडेट होती थी। हालांकि मैंने एक डेढ़ महीने पहले ये वीडियो बनाई थी कि इस तरीके का स्टेटस अगर आपका है तो वेरिफिकेशन लॉक के नीचे बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे जुड़ने वाली है, लेकिन मैंने उसमें ये बताया था कि आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद से और बहुत सारे स्टूडेंट के पेमेंट मिलने के बाद से। लेकिन दोस्तों इस बार का जो कंडीशन है, जो हालात है, आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना डिले है, और 31 मई से पहले यहाँ पे RTI ने भी साफ कर दिया कि 31 मई से पहले कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे देखिए क्या होता है, अभी इन्होंने स्टेटस सिर्फ अपडेट किया हुआ, स्टेटस नहीं, स्टेटस तो इसे कहते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस मतलब कि आपका इंटरफेस चेंज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है और ना ही कोई बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज आपसे क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अभी तो आप सिर्फ ट्रैक करते थे कि आपका एप्लीकेशन कहाँ है, अब नीचे वालों से आपका फायदा यही होगा कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका अमाउंट क्या है, टोकन नंबर मिला है कि नहीं, आपके बैंक अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको पता नहीं चलता था ना, बिल्कुल यहाँ पे इनविजिबल था। बट यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेंगी और बिल्कुल आपको सारी चीजें यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी। तो अगर आपका कुछ ऐसा इशू है या कुछ चेंजेज है तो जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।